সামনে আসো এখানে ক্রস না না তুমি এটা ধরো এ না ধরো হাত দাও কেন পা রাখবো কোথায় হুম চল পা রাখবো তা কোথায় এই যে আমি দেখো ঠিক জলের মধ্যে পা রাখ ওহ বাবু চল গাছের পাতাগুলো খাচ্ছে এই দেখ মাছের বাচ্চা চুনকুটি কেমন লাগছে দিদি তুমি ধরো তাহলে ছিপি দিয়ে এখানে আমাদের গোলফিশ ভালো লাগতো এই বড় বড় মাছ ওদের খেয়ে নিত दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम आए हैं मेरी बहन के फार्म हाउस के ठीक पास में एक लेक है वहाँ पे फ़िशिंग करने वैसे तो हम लोगों को फ़िशिंग करना आता नहीं है मेरी बहन के जो पति है वो हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं आज हमारा फार्म हाउस में आखिरी दिन है आज सुबह गए थे वेदांत अंगल बर्ड सेंचुरी में उसके बाद हम लोग फार्म हाउस में लौटे वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आए हैं इस लेक में आज का ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज के आखिरी में मैं दिखाऊंगी फार्म हाउस में ऐसा कुछ चीज़ जो मैं पहले आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ और आप लोगों को भी बहुत ही मज़ा आएगा वो देख के
मेरे बहन के जो पति है वो थोड़ा परेशान हो गए हम लोगों से। हम लोग उनको इतना परेशान कर रहे थे, और क्यों ना हो, मुझे और मेरी बहन को एक मछली तो पकड़ना ही है। अभी फिशिंग का जगह चेंज, हम लोग थोड़ा इस साइड में आए हैं, यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे फिर से। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद मुझे और मेरी बहन को लगा कि हम लोगों से ये फिशिंग होगी नहीं। मछली हम लोग पकड़ नहीं पाए, लेकिन हम लोग को इसके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये जगह इतना सुंदर है, हम लोग तो बस ऐसे ही एंजॉय करते रहे। ये जगह थोड़ा सा फिसला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा देख के चलना पड़ रहा है। फिशिंग तो हम लोगों से हुआ नहीं है, अभी हम लोग लौट रहे हैं फार्म हाउस में। प्रैक्टिस करते हैं।
নই আমি এটা কত তেতুল পড়ে আছে কোথা এই তুলে দিছা তোকে দেখাচ্ছি তেতুল তেতুল তো যিশু পেড়েছিল ওখানে থেকে এখন কোথায় এই কোন ছিপ দিয়ে হ্যাঁ ছিপ দিয়ে এই যে এইখানটা দেখো আছে দেখো তুমি পড়বে নিচে থাক 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 এখানেও একটা তেতুল ঝুলছে দেখো কিন্তু এগুলো কাঁচা ওই তো সামনেই তো একটা আছে এই যে আসবে না না ও তো নিচেই পড়বে না ये है इमली का पेड़ और मेरी बहन के पति ट्राई कर रहे हैं इस फिशिंग स्टिक से इमली तोड़ने के लिए। वैसे तो इस स्टिक से वो तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये स्टिक ही टूट जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे इमली को तोड़ते हैं क्योंकि वो ऐसे हारने वालों में से नहीं है। अभी हम पहुंच गए हैं फार्म हाउस। ये मेन गेट से हम लोग अंदर जा रहे हैं। मैं और मेरी बहन ने मेरे बहन के पति से कहा है कि यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉप कर देने के लिए ताकि हम लोग पैदल जा पाए और आप लोगों को भी मैं यहाँ का थोड़ा दिखा पाऊँ व्यू। और इस रास्ते से पैदल जाना बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही सुंदर है। টার্নটা নিয়ে তাই তো ওই টার্নটা ডান দিকে টার্ন নিলেই তো ये आपका फार्म हाउस के ठीक पीछे ही है। यहाँ से ताज़ा दूध निकाल के इसी दूध से हम लोगों को चाय बना के दिए थे इन लोगों ने। ये देखिए कितना सारा क्रैब्स। ये भी पीछे के जो लैंड है वहां से ये लोग कलेक्ट किए हैं। इस बार हम लोग क्रैब तो खा नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब तो जरूर खाएंगे। दोस्तों अभी घर लौटने का वक्त आ गया है तो चलिए हम लोग अभी लौट रहे हैं मेरी बहन के जो घर है चेन्नई में। वहाँ पे मैं 2 दिन रहूँगी फिर मैं वापस कोलकाता आ जाऊँगी। दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी चेन्नई में मैंने जो शॉपिंग किया है प्योर सिल्क साड़ीज़ का उसका कलेक्शन। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।